अच्छा चल 1 2 3 गो। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो सिंस वी हैव द स्ट्रीट ट्रिपल आरएस विद अस फॉर अ फ्यू डेज, आई थॉट व्हाई नॉट गो फॉर अ शॉर्ट स्पिन इन द इवनिंग। सो व्हाट आई वाज इंटेंडिंग टू डू टुडे वाज नॉट राइड दिस बाइक माई सेल्फ, बट गिव दिस बाइक टू माई फ्रेंड नितिन हु हैज कम टू सी मी, नॉट कम टू सी मी एग्जैक्टली, बट टू सी द स्ट्रीट ट्रिपल आरएस फ्रॉम नोएडा। ही केम लाइक अबाउट 30 किलोमीटर्स जस्ट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू राइड द RS. So I thought, why not give this bike in his hands? He rides a Ninja 1000, which is a liter class sports bike, and I'll be very interested to know what he feels about the RS, because my perspective might be a little skewed because I ride an adventure tourer. Thodi si laid back hoti hai, power hoti hai, but laid back hoti hai. Thodi si lagti hai. Wo power kitni amazing hai na? Maine to aaj jo video mein jo title dala hai na, बिल्कुल मेरे को वैसी ही फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है मैं ड्यूक 390 चला रहा हूँ जिसकी पावर 123 bhp हो गई है। भाई ये जो रेड वाले अलॉय, मेरे को तो इसकी जो शाइन है ना बहुत अच्छी लगती है। अगर ये मैट होते ना कचरा लगता है। रेड में एक जो ग्लो आ रहा है अभी थोड़ा सा गंदा है तेरा, बट जो साफ हो गए चमाचम। चल चला के देख कैसी लगती है भाई। यार एक बार इसमें जरा फ्यूल चेक कर लियो, मैंने कल 500 रुपये का भरवाया था सिर्फ, क्योंकि ये तो खाली देते हैं। मैं आया हूँ, ख़त्म तो नहीं हुआ होगा वैसे, देखें जरा एक बार, नहीं तो मैं फ्यूल भरवा दूंगा। बहुत दिखा रहा है यार, हाफ दिखा रहा है यार। इधर देखियो इसके अंदर कितना है, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मैंने सिर्फ 500 का भरवाया है। ऊपर तक चल रहा है यार। अच्छा है ना, ठीक है ठीक है ठीक। सीन ये है कि तू चला और इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि तू अपना ना बताइयो देखो कैसी लगी ये चलाने के बाद। ये ठीक है, ठीक है चल। यार ये क्या है यार, क्या सीट सीट क्या इस पे बल्कि फिसलेगा नहीं, तभी लगाई हुई है वो ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है तू। अच्छा चलो आ जाओ फिर, आ जाओ भाई। वैसे एक बात बता दूं, कावासाकी में बैठते ही समझ में आया था कि ट्रायम्फ की बिल्ड क्वालिटी क्या है। भाई बहुत ही तगड़ी है, इतनी ज़्यादा तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है ना ट्रायम्फ की। निंजा 1000 इन द हैंड्स टुडे। आजकल बहुत ज़्यादा बाइकें मिल रही हैं तगड़ी तगड़ी, और आज स्ट्रीट ट्रिपल आरएस को नितिन को दिया है चलाने के लिए। ही राइड्स दिस बाइक, सो उसको समझ में आएगा। ओहो हो हो, ये आज सुपर बाइक्स वाली फीलिंग आ रही है प्रॉपर। दोनों बाइक्स जो चल रही है उनका इतना ऑसम एग्जॉस्ट है ना। एग्जॉस्ट कौन सा है तेरा, स्टॉक है? अरे भाई सही लग रहा है, स्टॉक में इतनी बढ़िया आवाज आ रही है निंजा में। ये आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम दोनों ऐसे ऐसी वाली बाइक्स पे है ना, तो दोनों के एग्जॉस्ट नोट मिलके एक आवाज आ रही बहुत तगड़ी। ऐसा लग रहा है सीधे इंडिया गेट ले चलो। आओ आओ आओ, अब देखो रोड। बाइट है ना ब्रेम्बो का, तेरे में ब्रेम्बो है कि नहीं है ये इसमें? भाई ये ब्रेम्बो का बाइट है जो चिपक सा जाता है रोड पे, मैंने कल नोटिस किया ना। मेरे टाइगर में भी तो निसिन है, ब्रेम्बो का साला है इसका, वो M50 होगा जो टॉप ऑफ द लाइन है। रेस ट्रैक पे जा रहे हैं हम। ये बैग लूंगा यार मैं, ये वाला, ये तूने साइड में लगाया ना, ये एडवेंचर बाइक पे बहुत सही लगेगा, लगा हुआ पैंट वैंट में है ना। एक गड्ढा है आगे हल्का सा, ध्यान से। भाई वो तो इंटरनेशनल सर्किट जाने की जरूरत नहीं है। यहीं आओ। चल चल चल, रोड जब तक खाली दिख रही है।
आराम से, आगे पता नहीं क्या है। मेरी टाइगर से ये स्ट्रीट ट्रिपल बहुत स्मूथ है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे को, हाँ अच्छा रोकना, हाँ रोको। फेगो लिखा, फेगो। हाँ मतलब ये ठीक थी, मतलब जैसे होती है ना एयर फिल वाली सीट जो होती है, एयर तो नहीं इसमें आ रही ना, एयर होती है पर भरी नहीं है, पर ये सबसे उसके बाद मेरे को अजीब सा हो जाता है, पूरी हैंडलिंग अजीब लगती है। मैं इसको यूज कर रहा हूं ताकि स्लिप ना हो। हाँ स्लिप उसके हिसाब से सही है, मुझे ऑड नहीं लगी है, नहीं तो ना हाइट इंक्रीज हो जाती है अजीब सी। बाइक तो बहुत सही लगी है मेरे को, दो बाइक ऐसी थी जो मेरे को बहुत पसंद थी नेकेड के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना नेकेड्स को फॉलो करता हूँ और मैं नेकेड वाले जॉनरे से अब फेयरिंग के अंदर आया हूँ। लीटर क्लास के लिए मेरी दो हॉट फेवरेट्स थी, एक तो स्ट्रीट ट्रिपल थी और एक थी मेरी GSX S1000 सुजुकी की। अब मेरे को उसको एक डेढ़ साल हो गया है, उसको मैं आई थिंक अराउंड क्लोज टू 6000 कर चुका हूँ। लॉन्ग टूरिंग करता नहीं, चलाता सिर्फ मैं सिटी में हूँ, शहर के अंदर हूँ, और संडे चलाया, इधर उधर चलाया, ऑफिस ले गए, दूध देने चले गए, मर्डर चले गए, सब्जी लेने चले गए, हर चीज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ सुपर बाइक। बट नेकेड्स का फ़ायदा ये है कि ना, एक तो इंजन हीट नहीं होती, उसको कहीं भी कैसे भी ले जाओ, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक उसका ये है। पर ये इतनी कंफर्टेबल है, बहुत हल्की है और इतनी अमेजिंग फ्लिकेबल थी ना ये बाइक, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। 10 किलोमीटर में मेरे ना बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशंस हैं। मैं हमेशा 650-750 से लीटर क्लास जाने में मैं इसलिए प्रेफर करता था क्योंकि बड़े इंजन का जो एक मिड टॉर्क का जो पंच होता है ना, बस उसी का ही डिफरेंस होता है। अब इसका इंजन छोटा है तो उसके अंदर जो एक मिड पंच जब आपको पुल करना होता है ना, वो 3,500-4,000 के अंदर यू फील की बाइक है स्टार्टेड पुलिंग यू। और जब उसको मैंने स्पोर्ट मोड में डाला ना, तो ऑब्वियसली काफ़ी अग्रेसिव हो गई थी और इसका जो RPMs थे ना, वो अराउंड 6,500 से उसने पुल करना शुरू कर दिया था। ओके तो उस सेंस के अंदर मेरे को एकदम इमीडिएट डिफरेंस लगा है ना। और प्लस बेस्ट ये लगा कि इसके अंदर जो मोड्स है ना, वो ऑन दी फ्लाई मैं चेंज कर पा रहा था। सस्पेंशन मेरे को इसका निंजा से बेटर लगा। प्लस ये है कि अगर किसी को थोड़ा प्रोफेशनली कम्पीट करना है, प्रोफेशनली ट्रैक राइड करना है, उसके अकॉर्डिंग लर्न करना है, तो इसके अंदर सस्पेंशन के अराउंड साथ ना प्ले अराउंड करने की आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिलेंगी। तो वही है कि अगर कोई मेच्योर राइडर है, उसको ट्रैक पे चलानी है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके अंदर सस्पेंशन इतना उतने तक फाइन ट्यून नहीं कर सकते। और देख डेफिनेटली इनलाइन 4 ज़्यादा स्मूथ होता है और वो इससे तो ज़्यादा स्मूथ है। बट अगर इसको मैं तेरी टाइगर से कंपेयर करूँ, दोनों इनलाइन 3 हैं पर टाइगर के मुकाबले इसकी रिफाइनमेंट वे बेटर है। ये ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा रिफाइंड है। और नेकेड का दूसरा बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, जो हैंडल पार्ट ना बड़े स्ट्रेट होते हैं, तो जब तुम कॉर्नर के अंदर डाइविंग करते हो ना ऐसे ऐसे करके, अगर बाई चांस कहीं तुम्हारी ट्रेजेक्ट्री गलत हो गई, थोड़ी सी वॉबल होगी, तो इसको ना क्रेट करना बड़ा सही है। तुम सीधे बैठे हो ऐसे करके, फटाफट ऐसे सीधा कर दिया। और यही अगर तुम्हारे जो क्लिप ऑन हैंडल बार्स होंगे ना, उसको तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे के झुक के तुम्हें सीधा ही होना पड़ेगा। यार आज मुझे निंजा 1000 चलाने का ना एक अलग ही मजा आ रहा है। चलाई है मैंने 5-6 बार पहले, बट आज एक अलग ही फील आ रही है। ग्रेटर नोएडा में रह रहे हो ना आप, बार बार कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, रेस ट्रैक पे जाने की जरूरत नहीं है, क्या रोड मिली है यार यहाँ पे। एंड आई होप आप लोगों को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव मिला होगा फ्रॉम अ निंजा 1000 ओनर्स पर्सपेक्टिव। नितिन वॉज ट्राइंग टू शेयर कि क्या क्या उसे डिफरेंसेस लगे। 6:34 हुआ है ना अभी, तो है टाइम खैर। सही बात है यार, बाइक मजे दिलाती है। वैसे बाइक मेरे को आज ना इसका पोस्चर पता नहीं बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा है। नहीं राइट ले ले, हाँ भैया सीधा सीधा स्ट्रेट ही है, सॉरी हाँ स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। अबे ये किसका हॉर्न लगा दिया XUV500 का। ये इंस्टेंट जो चेंज करते हैं ना बाइक, उसमें एकदम से फर्क फील होता है कि क्या चीज पे बैठा था और किस पे आए हैं। आओ भाई और पीछे। चलो भाई, अरे ये तो बड़ी हल्की है।
मेरे को यार पर्सनली जो है ना पर्सनली नेकेड बाइक ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे को, इसलिए निंजा ज़्यादा सुंदर लग रही है। हाँ भाई अब मैं पक्का कह सकता हूँ मुझे समझ में आ गया है कि निंजा 1000 ज़्यादा स्मूथ थी। यहाँ आ जाइए आगे सेक्शन, यहाँ पे चलाते हैं। हाँ फुटपैक पे आ गए हैं भाई। हल्का फुल्का आ रहा है, एक जो थोड़े से ना गुदगुदी सी वाली वाइब्रेशन होती है। नहीं भाई नो डाउट उसमें वाइब्रेशन कम है। एक बार आराम से आई, उधर मिट्टी है, मिट्टी है, अरे मिट्टी। हाँ हो गई थी ना, वही तो कह रहा हूँ तेरे को, बंदे की फट गई, तो ये क्या आ रहा है। भाई मेरा तो हाथ इसमें साफ नहीं है, बट ये उड़ ना जाए बाइक, कितना पूरा खींचनी होती है क्या रेड लाइन तक। अच्छा चल 1 2 3 गो। मेरी तो 130 पहुंची थी, मेरी थोड़ी सी पड़ जाती है, इतनी मेरे को आदत नहीं है ना ये सब करने की। क्लियरली भाई वो ऑब्वियसली भाग रही आगे यार। मुझे पावर बैंड बहुत जल्दी स्टार्ट होता है एकदम यार। एक्चुअली इन बाइक्स में ना मेरे को सबसे वही मतलब जो प्रैक्टिकली जो यूज होता है ना बैंड पावर का, वो बड़ा मजा आता है यूज करने का। जैसे मतलब मैक्सिमम 150 तक, 140-150 तक जो जाती है ना आराम से, वो है फन असली। मतलब टॉप स्पीड तो हमारी औकात नहीं इतनी चलाने की यार। ग्रेटर नोएडा द लैंड ऑफ सुपर बाइकर्स हो गई है भाई, जगह देख रहा है तू। हमें गोल चक्कर से राइट लेना। ये ऐसी जो निकलती है ना ये सीधे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है चल फिर, ओके बाय बाय भाई, चल ओके भाई ओके। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस शॉर्ट वीडियो गाइज, दिस शॉर्ट इवनिंग स्पिन, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो वॉट टू डू गाइज, स्टे कनेक्टेड विद मी, सब्सक्राइब टू द 23 राइड्स चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन प्रीटी सून। सी आओ।